हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट में। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जितनी भी वीडियोज मैं अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पहुँच जाए। बात करेंगे IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की, जिसके अंदर 2.5% की शानदार तेजी है। मार्केट जैसे ही निफ्टी ने अच्छी खासी तेजी दिखाई, निफ्टी बैंक ने अच्छी खासी तेजी दिखाई, वहीं अभी मार्केट करेक्शन में देखने को मिल रहा, लेकिन IRFC शेयर के अंदर अभी भी 2.5% के आसपास की तेजी जो है वो हमें बरकरार देखने को मिल रही है। अभी 48.93 रुपये के आसपास, ऑलमोस्ट 49 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और स्टॉक के लिए जो रेजिस्टेंस का मेन काम करेगा 51.5 रुपये का जो लेवल है वो एक मेन रेजिस्टेंस का काम करेगा। इससे पहले फ्रेश बाइंग आप लोगों को अवॉइड करनी है। जब तक स्टॉक 44 से 51 की रेंज में है तब तक स्टॉक में कंसोलिडेशन फेज चलेगा। 47.74 पे हमें लास्ट क्लोजिंग देखने को मिली थी। 5 दिन के अंदर 1.5% के आसपास की तेजी है, 1 महीने के अंदर ऑलमोस्ट 40% के रिटर्न से, क्योंकि पहले जो रेजिस्टेंस था 37 रुपये का था उसको स्टॉक ने ब्रेक किया। ब्रेक करते ही स्टॉक ने एक नया 52 वीक हाई लगाया 51 रुपये का, और उसके बाद कंपनी यहाँ पे क्या लेके आई, OFS गवर्नमेंट की तरफ से स्टेक सेल की जो बात आई थी उसके वजह से प्रॉफिट बुकिंग आई, और थोड़े से मार्केट सेंटीमेंट्स नेगेटिव होने की वजह से हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। 6 महीने की बात करें तो ऑलमोस्ट 76% के आसपास के रिटर्न्स जो है IRFC शेयर ने यहाँ पे इन्वेस्टर्स को बना कर दिए बीते 6 महीने के अंदर। वहीं अगर हम एक साल की बात करें तो 132% के रिटर्न्स हैं। देखिए, यहाँ पे जितने भी IRCTC के जितनी भी सब्सिडरीज कंपनीज हैं, भले ही IRFC हो, RVNL हो या फिर इरकॉन इंटरनेशनल हो, वो सारी की सारी कंपनी एक चार्ट पैटर्न फॉलो करती हैं। तेजी आती है फिर कंसोलिडेट करते हैं, फिर तेजी आती है फिर कंसोलिडेट करते हैं, और वही चीज़ इस टाइम IRFC में भी और RVNL में भी दोनों शेयर्स के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छी बात है, कंसोलिडेट कर रहे हैं, तेजी बनेगी, और अगर लॉन्ग टर्म का पर्पज है तो आप बिल्कुल बाइंग जो है करंट लेवल्स पे भी होल्ड कर सकते हैं। बात अगर मैक्सिमम रिटर्न्स की करें तो 97% के आसपास के रिटर्न्स जो है IRFC ने अभी तक के अपने मैक्सिमम रिटर्न्स में इन्वेस्टर्स को बनाकर भी दिए हैं। बात करें अगर वॉल्यूम की तो अभी तक का जो वॉल्यूम निकल कर आ चुका है ऑलमोस्ट 10 करोड़ के आसपास का मिड ऑफ द डे वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है, यानी कि बाइंग अच्छी खासी स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। बाइंग प्रेशर की अगर बात करें तो 47 लाख के आसपास का जो है बाइंग प्रेशर है, जबकि अगर मैं सेलिंग प्रेशर की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 13,74,000 शेयर जो है सेलिंग ऑर्डर में देखने को मिल रही है, यानी कि बाइंग जो है वो अच्छी खासी हमें आज के दिन में IRFC शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। टेक्निकल चार्ट की बात करें तो यहाँ पे जो है एक मेन रेजिस्टेंस है 51 रुपये और सपोर्ट है ऑलमोस्ट 44 का। जब तक स्टॉक इस रेंज में है तब तक जो है फ्रेश एंट्री शॉर्ट टर्म वालों को नहीं लेनी है, लॉन्ग टर्म वाले अपनी होल्डिंग्स ले सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा मौका है, स्टॉक में कंसोलिडेशन हो रही है और यहाँ से जो है एक अच्छा खासा उछाल बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे लगातार हमें सेलिंग देखने को मिल रही थी, अभी तक जो है कंटिन्यूसली सेलिंग देखने को मिल रही थी, अब जाके थोड़ी सी बाइंग जो आज के दिन में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से स्टॉक में एक मोमेंटम जो है आज के दिन में बनता हुआ जरूर नज़र आ रहा है। स्टॉक में अगर हम देखें तो बाइंग जो है आज के दिन में आई, जैसे ही वैसे ही स्टॉक के अंदर वॉल्यूम भी आज के दिन में आना स्टार्ट हुआ, और जहां लास्ट क्लोजिंग का वॉल्यूम 3 करोड़ था वहीं, क्योंकि स्टॉक में कंसोलिडेशन फेज चल रहा था, और जैसे ही कंसोलिडेशन खत्म हुआ बाइंग आई, स्टॉक ने वैसे ही पॉजिटिव मोमेंटम भी क्रिएट कर दिया है। बात करें अगर कम्युनिटी की तो 86% कम्युनिटी अभी भी बाई की सलाह दे रही है 10% सेल एंड 4% होल्ड के साथ में।